ठीक है यार। तो क्या क्या हुआ आपके साथ? बस कुछ नहीं भाई, बोर्डिंग नहीं लेनी दी थी हमें, तो लाइन वेल मिस निकाल वीजा दी है। वीजा का तो था, यूके का वैलिड वीजा था आपके पास हाँ, वैलिड वीजा जनवरी तक है। जनवरी तक है, तो क्या आपकी कोई ट्रेवल हिस्ट्री वगैरह कुछ नहीं है पहले? नहीं भाई, पहले कहीं नहीं कर दी थी। तो वीजा कब लगा था आपका? वीजा तो अक्टूबर में लगे था। अक्टूबर में लगा था। ओके, तो फिर चलो जब दिल्ली गए आप तो क्या क्या हुआ, कौन सी एयरलाइन थी? इंडिया, एयर इंडिया। इंडियन एयरलाइन थी। हाँ, एयर इंडिया। ओके, तो क्या बोले आपको जब काउंटर पे गए? बस कुछ नहीं, काउंटर तक तो जाने नहीं दिए। बीच में एक मैडम खड़ी थी, उसने पासपोर्ट देखा और टिकट देखी, अच्छा, देखते ही बाहर निकाल लिए, बोले कि बाहर आ जाओ। नहीं जब तो उन्होंने खड़े बोला हुए। कि बाहर आ जाओ, आपने पूछा नहीं कि भाई क्यों आ जाए बाहर, क्या मतलब है? हाँ, पूछा उन्होंने, पहले बाहर आओ फिर बताएंगे। माँ ठीक है जी, आगे तो हम खड़े रहे, 10-15 मिनट खड़े रहे। तो बोले, हमें बोले माँ जी बता दो फ्लाइट का टाइम हो रहा। बोले कि क्लियरनेस लेके आओ। मैं किस चीज़ का लेके आए? बैसी का इंटरव्यू नहीं दे रखे था उन्होंने। महेश जी, अगर इंटरव्यू नहीं दे होता तो वीजा ही नहीं आया था हमारा। इंटरव्यू भी दे रखा माना, सब पता है। बोल रहे कि था ना तो कोर्स के बारे में नहीं पता, कोर्स का सब बता दिया। माँ जी, एम एस सी मैनेजमेंट हमारा कोर्स है, कोई कोर्स से नहीं होता कुछ भी। लैगेज कम ले रहे हो, कभी कुछ मतलब नहीं, कोर्स घुमा फिरा मतलब के क्या, बात करोगे? स्टडी स्टडी का था क्या आपका कुछ? हाँ, स्टडी का था, स्पाउस में जा रहा था मैं तो, साथ में अच्छा, वाइफ का था स्टडी उसका। स्टडी में जा रहे थे, उसके बावजूद भी उनका आपको नहीं जाने दिया? हाँ, नहीं जाने दिया। यार ये तो बड़ा शॉकिंग है यार, स्टडी वीजा होने के अब कुछ बावजूद हो भी नहीं सकता जाने है दिए? भाई, ये हो तो सकता है अब कुछ। हो सकता है क्या यार? आप पहले तो फिर, अच्छा चलो देखो हो तो जाएगा, आप पहले तो हाँ कई सारे सवाल ये है ना कि भाई जैसे आपने उनको बोला, उन्होंने मना मना हाँ करते रहे, कुछ ना कुछ बोलते रहे कि ये नहीं है वो नहीं है, हाँ 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 तो रिटर्न में आपने कुछ लिया उनसे कि भाई चलो आप रि मना कर रहे हाँ हो, रिटर्न में रिफंड तो कौन देगा उन्हें इसका? ऐसे लिख रखा है कि इन पे लगेज कम था। लगेज से तो यार हम कितना ही लेके जाए, इनको तो मतलब नहीं होता इस चीज़ का। लगेज कम था। तो हाँ, तो एक बोल, लेकिन इनको तो नॉलेज नहीं किसी चीज़ की। और जबकि मेरी मैडम थी, जो मेरी मिसिज थी, वो ओके, इंग्लिश में बात कर रही थी और हिंदी में बात कर रही थी। अगर इनको तो नॉलेज नहीं है, कोर्स बता दिया, कोर्स के कंटेंट बता दिया, सब कुछ बता दिया। बोल अच्छा रहे आप रिटर्न मतलब है, आप कपल जा रहे नहीं थे, है, ये तो कुछ नहीं है। हाँ, कपल जा रहे थे। हाँ, दोनों को ही मना कर दिया? दोनों को ही मना कर दिया। बहुत तो भाई साथ नहीं लग गया, नहीं कोई भी नहीं लग गया साथ। एक भाई था बस, वो लग गया था। 3 जने थे मैम, अच्छा, एक वो तो 2 दिन से ही बिठा रखा था। एक भाई तो वो दो दिन से टूरिस्ट बैठा जा रहे रखा थे है और दो एयरपोर्ट दिन पे, से बिठा रखा था। हाँ, दो दिन एयरपोर्ट से ही पे? बिठा रखा था। ओ हाँ, तेरी, ये तो यार बड़ा क्या चल रहा है यार, समझ में नहीं आता हमारे तो यार, अलग वो अलग बंदा नई नई बोल चीजें रहा, सुनने को वो जो मिलती मेरे से पहले वो हाँ वो बंदा जो मेरे से पहले बिठा रखा था, वो बोला मेरे को कि भाई मैंने इमिग्रेशन भी कर लिया था, मेरे को तो बस में से उतार के लेके आए हैं। ओहो, एयरप्लेन से उतार के लेके आए हैं। हाँ, वहां से लेके आए हैं। और उनका मैं उतार रहा हूँ, और एक बंदा का खुद बैग पकड़ रहे थे, उसको भगा रहे थे, वो बिठाया बंदा। अच्छा हाँ, ऐसा हुआ है उसके साथ। तेरी यार, ये तो सुन के मतलब आदमी डर जाए यार, जो चीजें आप बता रहे हो कि ऐसा ऐसा हो रहा नहीं है। सच्चाई भाई, हमें भी उस बंदे ने बताई। वो बंदा इतना वो था नहीं, वो सिंगापुर मलेशिया रह रहा था, मतलब 7 साल से वो आया था। उनका भाई साहब, मेरी तो जमीन लग बिकी है, मेरे पास घर जाने का भी कुछ नहीं रास्ता बच रहा। उसके साथ बहुत ज्यादा हुई है। तो मैं दूसरी गेड़ा है उसमें गया, वर्जिन अटलांटिक में, तो वहां तक बग गया था मैं, जहाँ जहाज में बिठाते नहीं है वहां तक चला गया था मैं। वहां ईमेल अपडेट हुई कि भाई आपको जाने दिया जाएगा, इनको सॉरी सर। मैं किस चीज की, उन्होंने बात भी करवाई थी, बात भी करी, कोर्स भी बताए। वो बोल रहे हैं कि सर हमारी तरफ से तो क्लियर है, बंदे हैं, इनको सारी नॉलेज है। तो जिस बंदा का फोन आ रहा था नहीं, चाहे तो एलो एलो भी तो होता होगा कुछ इनका, एलो वो क्या, हेलो क्या? एलो आ बिरा नहीं, एलो एलो चैन, एलो चैन नाम का कोई बंदा था, उसने मेल डाल रखी है कि ये बंदे जाने नहीं चाहिए। अच्छा हाँ, तो फिर हम वहां चल छोड़ या भी नहीं। फिर कतर एयरलाइन में भी यही हुई कि इनका भाई आपकी मेल अपडेट हो रही है, आपको क्लियरनेस लेके आने पड़ेगा। मैं क्लियरनेस लेके किस चीज का हूँ ये तो बताओ, अच्छा एक बात अगर हमारे पास बताइए, कोई। एक बात बताइए, हाँ आप कुछ, चलो एयर इंडिया की आपकी टिकट थी ठीक है, हाँ आपकी रिटर्न हाँ टिकट तो आपने कराई नहीं होगी क्योंकि आपने स्टडी करने जाना था। नहीं, हाँ रिटर्न तो क्यों करवाते भाई, हाँ, वो ये स्टडी अगर करने आना जाना था होता ना तो आप। करवाते।
और आपकी जो फीस वगैरह है वो सारी जा चुकी है ऑलरेडी, मतलब यूनिवर्सिटी या जो भी है जहाँ वो पे आपने, सब कुछ जा चुका है भाई, सब कुछ, इंश्योरेंस फीस सब कुछ जा चुका तो है। कितना पैसा लग गया होगा आपका ऑलमोस्ट इस सारे? 24 लाख लग गया भाई पूरा चौबीस लाख लग टोटल, गया यार आपका, और अब अभी आप यहीं पे इंडिया में बैठे हो। अभी तक यहीं बैठा हूँ। एजेंट भी पूरी कोशिश कर रहा है भाई, मेल डाली थी एम्बेसी में, एम्बेसी का रिप्लाई आया कि दोबारा से डालो, उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। कल ईमेल आई है कि दोबारा से डालो, आपके साथ क्या हुआ, क्या चीज़ है, क्या नहीं, क्या चाहिए। अच्छा अब यार अच्छा ईमेल डाल लेंगे, इतना टाइम फिर मांगेंगे मैसेज, इतने वीजा चला जाओगा। तो अमन भाई ईमेल से तो एजेंट ही बोल गया, ये बोल रहा बताइए, है एजेंट की रहने दे, ऐसे ही करें कुछ। ये बताइए कि आप जो वीज़ा आपका है ठीक है, हाँ तो वैलिड आप बता रहे हो कि ये जनवरी तक ही है हाँ बस? वैलिड वीजा जनवरी तक है, 3 महीने का था भाई वीजा, आगे जाके ही चेंज होता है वीजा, तो अच्छा, वहाँ पे सबका ही जाके 3 महीने एक्सटेंड का होता है। लगता है। अच्छा, हाँ 3 महीने आगे का कोई मेरा लगता यार है, दोस्त वहाँ आ रहा जाके था। एक्सटेंड होता है हाँ हाँ सबका, हाँ एक्सटेंड होता है सभी का, होता है तो ऐसे ही होता है। ऐसे ही होता है। मेरा ये यार दोस्त प्रोसेस जा है रहा है इसका, उसका ठीक है, भी उसका भी ऐसे ही ऐसे होता हुआ है। तो यार एयर इंडिया की इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बनती है कि देखो, ये आपके साथ नहीं, काफ़ी सारे बंदों के साथ हो चुका है, तो आपने ये वीडियो हाँ पहले नहीं हाँ देखी थी? आप बाद में आपको सब रिप्लाई करते हैं, पता नहीं चक्कर क्या है। हाँ मैं कह रहा हूँ कि आपने ये वीडियो जो देख के आए हो आप मेरे पास, तो आपने हाँ हाँ पहले वीडियो क्यों नहीं फॉलो करी कि भाई आपको ट्रैवल करना है, थोड़ा देख लेते हैं कि नेट पे क्या पता चलता क्या बात है भाई, ऐसे ऐसे केस सुने कौन थे कभी भी। एजेंट है। खुद अच्छा बोल रहे कि भाई पहला केस है, परमात्मा के नाम ले, पहला केस आपका आया नहीं, आज तक एक भी केस नहीं आया हमारे पास भैया, ऐसा। मैंने तो कम से कम महीना महीना 1.5 महीना पहले डाल रखी है वीडियोस, और उसमें भी उस टाइम पे भी 2-3 बंदे हो चुके थे, तब मैंने वीडियो डाली थी, तब 2-3 बंदे के साथ हो चुका था ऐसा। बस भाई इसी करके देख कि भी मेरे गए बहुत गए हैं, कि आज कभी हुआ है नहीं ऐसा। तो अच्छा, अभी इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, क्यों? फ्रेंड्स अभी आपने ये वीडियो देखी, और इन भाई साहब और इनकी वाइफ को बोर्डिंग नहीं दी दिल्ली एयरपोर्ट पे, तो भाई ये प्रॉब्लम क्या है? मैंने पहले भी एक दो वीडियो डाली थी इसी चीज़ को लेकर कि यूके का वीज़ा, प्रॉपर वीज़ा होने के बाद भी बोर्डिंग नहीं मिलती दिल्ली एयरपोर्ट पे, एयर इंडिया से स्पेशली। ये चक्कर क्या है यार भाई? ये मेरी तो समझ में नहीं आया कि जिसके पास एक वैलिड वीज़ा है, ट्रैवल वीज़ा है, स्टडी वीज़ा है, या कोई भी वीज़ा है, अगर वो बंदा ट्रैवल करना चाहता है तो उसको ट्रैवल क्यों नहीं करने दिया जाता? वीज़ा नहीं है तो बंदा जाने की कोशिश कर रहा, तो बिल्कुल बात समझ में आती है कि भाई नहीं है प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स, ये किसी डॉक्यूमेंट की वजह से उनको मना कर दिया। बट एग्जैक्टली प्रॉपर वीज़ा होने के बाद भी ये इशू क्यों आ रहा है यार, ये चीज़ समझ में नहीं आई। अगर आप लोगों में किसी को आइडिया है कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो भाई आप वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना, ताकि थोड़ा लोगों को भी पता चले कि भाई ये हो क्यों रहा है, क्या रीज़न क्या है इसके पीछे। या तो फिर कंट्री आपको वीज़ा ही ना दे, अगर वीज़ा दे दिया तो भाई आपको ट्रैवल करने दे, है ना? तो ये दोनों कैसे बैलेंस होंगी ये चीज़, ये आप लोग इस पे थोड़ा सा देखो, सर्च करो, और लोगों को भी बताओ कि भाई क्या हो सकता है इस मामले में, मतलब रीज़न क्या हो सकता है इनका। तो भाई ये जो इन्होंने, इनके साथ हुआ, ये हो सकता है कि भाई जैसे 3-4 बंदों से मेरी ऑलरेडी बात भी हो चुकी है पहले, मैंने 1-1.5 महीना पहले वीडियो भी डाली थी, और उसके बाद भी ये इशू आ गया, तो दैट मीन्स कि ये हो रहा है, ये ग्रेजुअली वहाँ पे हो रहा है। और भाई अगर मान लो कि मैं कोई वीज़ा लेके जाता हूँ, या कोई और भी वीज़ा लेके जाता है, तो उसको मना कर देते हैं, तो दैट मीन्स यार बहुत सारे पैसे, बहुत सारे टेंशन आपको मिलेगी, पैसे आपके वेस्ट हो जाएंगे, और आपके बहुत सारी आपकी प्लानिंग होती है वो सब वेस्ट हो जाती है। तो अब पता नहीं यार ये रीज़न क्या है, क्या चक्कर है, आप लोग ही इसको थोड़ा सा हाईलाइट करो, और इसको पूछो कि भाई ये ऐसा क्यों हो रहा है, एयरलाइन से पूछो, या फिर कुछ भी जो भी है जिस मीडिया के थ्रू हम बात कर सकते हैं। तो आई विल ऑल्सो ट्राई माई बेस्ट, लेकिन आप लोग भी करना, और भाई मेरा पर्पज़ आपको ये कि अलर्ट करना, अगर कोई इशू आ रहा है कहीं पे किसी भी उस पर, तो अलर्ट करना। तो अलर्ट मैंने कर दिया भाई, अगर कोई भी है तो भाई पहले, जैसे इन्होंने गलती करी कि वीडियो पहले नहीं देखी, तो भाई वीडियो को आप शेयर किया करो ताकि ट्रैवलर्स तक ये पहुँचे, बाद में देखते हैं कि हाँ यार एक्चुअल में तो मेरे साथ भी हुआ है। अब इन उनका भी ऐसे मैसेज मेरे पास ऐसे आया इंस्टाग्राम पे कि भाई मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैंने आपकी ये वीडियो देखी थी। तो भाई अगर आप लोग भी फॉलो नहीं कर रहे हो, अपडेट्स मेरे लेटेस्ट अपडेट वहाँ पे डालता रहता हूँ, तो इंस्टाग्राम मेरा यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आप फॉलो भी कर सकते हो। तो इस चीज़ से अब तब बचोगे, तब लोगों को ये चीज़ दिखेंगी, और जब दिखेंगी कब, जब आप लोग ये शेयर करोगे, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है भाई, ग्रुप्स में, फेसबुक, व्हाट्सएप, कहीं पर भी आप शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि किसी भाई की हेल्प हो जाए, किसी भाई के पैसे बच जाए। अगर नहीं करना तो दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम,
बाकी फिर मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही था, और कोई ट्रैवल एक्सपीरियंस या फिर इमिग्रेशन वीज़ा के रिगार्डिंग तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, लव यू ऑल।